हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व मैथमेटिक्स वर्क बुक पार्ट टू। ऑलरेडी वी सॉल्व टिल अवर पेज नंबर 4 एंड नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज अवर चैप्टर चैप्टर नंबर 6 टाइम। ऑलरेडी वी सॉल्व पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड द पेज नंबर 4। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेज नंबर 5, कंसेप्ट 6.2, सीक्वेंस द इवेंट्स ओवर लॉन्गर पीरियड्स। नाउ लेट अस सॉल्व द रिकॉल सेक्शन फर्स्ट। वी डू हैव हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। वन क्वेश्चन वन इज द रशी वेंट आउट टू सी द स्टार्स एट, और डैश दिया यहाँ पर, तो स्टार्स कब दिखते हैं हमें? यस वी कैन सी और वी कैन एबल टू सी अ स्टार्स एट नाइट ओनली। सो वेयर इज द नाइट ऑप्शन? यस, तो ऑप्शन ए इज द अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द नाइट। सो टिक मार्क द ऑप्शन ए। वी मस्ट हैव टू राइट द आंसर ऑप्शन ओवर हियर। सो एंड राइट ऑल्सो एन आई जी एच टी नाइट हियर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन। द मिल्क मैन गेट्स मिल्क इन द डैश डैश व्हेन आई एम रेडी फॉर स्कूल। सो मिल्क मैन मोस्टली कब लाता है मिल्क? यस, कुछ कुछ घरों में रहता होगा वो शाम को, लेकिन बहुत मोस्टली बहुत सारे घरों में मिल्क मैन मिल्क कब देता है? इन द मॉर्निंग में। और आप स्कूल के लिए रेडी भी कब होते हो? यस, इन द मॉर्निंग में। सो हियर वेयर इज द अवर ऑप्शन करेक्ट? यस, ऑप्शन सी इज द अवर मॉर्निंग ऑप्शन। सो राइट डाउन सी इज हियर एंड एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग हियर। नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड वन एग्जाम्पल। पीपल ईट ब्रेकफास्ट इन द, यस ब्रेकफास्ट कब खाते हैं हम? रात को तो नहीं खाते हैं? यस, वी ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो अगेन आवर ऑप्शन बी, दैट इज द मॉर्निंग ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। सो राइट डाउन बी ओवर हियर एंड राइट मॉर्निंग अगेन हियर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉर्निंग? एम ओ आर एन आई एन जी। लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर फोर्थ वन। From our remembering and understanding part, multiple choice questions. Example 4, which of the following numbers you will not find on the face of the clock? तो आपके घर में घड़ी है या यहाँ पर भी घड़ी दिखाई दे रही है, इसमें इसमें से कौन सा नंबर नहीं होता है? Yes, 13 नंबर आपने कभी देखा है घड़ी में? यस, नहीं होता है वो नंबर यहाँ पर। सो इट्स अवर करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो राइट डाउन डी इन द कॉलम। नाउ द मिनट हैंड इन द गिवन क्लॉक इज एट, कहाँ पर है यहाँ पर मिनट हैंड? देखो जो हमारा लॉन्ग हैंड होता है इसको हम मिनट हैंड कहते हैं, कहाँ पर है चलो देखते हैं। तो ये देखो ये लॉन्ग हैंड शो कर रहा है यहाँ पर नंबर 12। सो इज एट कहाँ पर है? नंबर 12। सो और करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। सो राइट डाउन बी ओवर हियर। नाउ द हर हैंड इन द गिवन क्लॉक, चलो अब हर हैंड कौन सा होता है? दैट इज जो हमारा शॉर्ट हैंड होता है, इज एट। चलो फिर यहाँ पर शॉर्ट हैंड कौन सा है? यस इट्स अ शॉर्ट हैंड। यस, और शॉर्ट हैंड इज शोइंग अवर नंबर 8। विच नंबर? नंबर 8। वेर इज ऑप्शन 8? ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए एंड आंसर इज द एट 8। ओके, नाउ लेट अस टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर 6। लेट अस सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स। फील इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल 7, द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक इज नोन एज, यस जो छोटा हैंड होता है उसको क्या कहते हैं? हर हैंड। सो वी हैव टू राइट हर हैंड, एच ओ यू आर, हर हैंड। ओके स्टूडेंट्स,
So now the time in the clock is, what is the time in the clock is, चलो चेकआउट करना यहाँ पर टाइम, कितना टाइम यहाँ पर, यस यहाँ पर टाइम है, देखो चेक करते हैं, हर हैंड है ऑन द 11 एंड हमारा मिनट हैंड दैट इज़ अ लॉन्ग हैंड है ऑन द 12, तो जब भी मिनट हैंड 12 पर होता है और हर हैंड कोई भी नंबर शो करता है सो उतना ही टाइम होता है कि नहीं क्लॉक में, यस सो द टाइम इन द क्लॉक इज 11 o'clock. Yes. Now, example 9. At 12 o'clock, the hour hand of the clock will be on the number. देखो, 12 o'clock बचे हैं, तो hour hand कौन से number पर होगा? Yes. Hour hand और minute hand दोनों एक ही number पर होते हैं. That is number 12. तभी हमारे 12 बचते कि नहीं? ठीक है? तो यहाँ पर आपको भी चेकआउट करना है आपकी घड़ी में कि 12 ओ क्लॉक होने पर दोनों के दोनों हैंड, दैट इज द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, कहाँ पर होते हैं कि वो होते हैं नंबर 12 के ऊपर. ओके, लेट अस सॉल्व वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. एग्जांपल 10. व्हाट इज द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक नोन एज. तो लॉन्ग हैंड को क्या कहते हैं हम, यस लॉन्ग हैंड को हम कहते हैं मिनट हैंड. सो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन मिनट हैंड. ओके, सही हो गया हमारा. नाउ रीड द टाइम इन द गिवन क्लॉक. सो ये तो बहुत इजी है आपके लिए. सो दैट इज फॉर योर होमवर्क पार्ट. ये दोनों के दोनों सवाल आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं. एग्जांपल 11 एंड एग्जांपल 12 आल्सो. इट्स सो इजी नो. नाउ लेट अस कम टू द पेज नंबर 7. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. मेंशन द पोजीशन ऑफ द हावर और मिनट हैंड हैंड्स. रीड द टाइम ऑन दीज क्लॉक. चलो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करूँगा, दैट इज आई एम सॉल्विंग द 13 वन. यू मस्ट हैव टू सॉल्व 14 वन फॉर अ होमवर्क पार्ट. द हर हैंड इज एट, कहाँ पर है हर हैंड, यस इज एट 10. हर हैंड देखो जो शॉर्ट हैंड होता है उसको हर हैंड कहते हैं. कौन सा नंबर शो कर रहा है ये, 10. सो द टाइम इज, देखो हर हैंड इज 10 पर है, मिनट हैंड और लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 12 के ऊपर है. सो द टाइम इज 10 ओ क्लॉक. ओके, सो नाउ दैट एग्जांपल यू मस्ट हैव टू सॉल्व एट होम. इट्स फॉर योर होमवर्क पार्ट. देखो यहाँ पर क्या पूछा है, मिनट हैंड. देखो मिनट हैंड कहाँ पर है, ये जो लॉन्ग हैंड होता है ना, ये मिनट हैंड होता है. And you must have to also tell me the time by solving it. Okay. Now, let us solve the application part. Very short answer question. Example 15. At what time do you come home from school? तो आप स्कूल से घर पे कब आते हो? तो आप स्कूल में थे ना, तब स्कूल छूटती थी. तो स्कूल छूटने के वक्त घर जाने का आपका अलग अलग टाइम होगा. तो वो टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है. इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट. सो अल्सो दिस एग्जांपल फॉर योर होमवर्क पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सॉल्व द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. एग्जांपल 16. लिस्ट ऑल योर मॉर्निंग एक्टिविटीज इन सिक्वेंस टिल यू रीच स्कूल. अल्सो राइट द टाइम एट विच यू डू देम. ओके, चलो फिर यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है. तो मैं यहाँ पर आपको एक्टिविटी बताऊँगा, आपको टाइम लिखना है. जैसे मॉर्निंग में आप वेकअप कब हुए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल सुबह जब आप क्या करोगे,
सुबह सुबह उठोगे तो आपको घड़ी में देखकर ये टाइम्स लिखने हैं। अब कौन कौन से टाइम्स लिखने हैं मैं यहाँ पर बताऊँगा ओरली, बट आपको घर में जब आप कल सुबह उठोगे तो आपको लिखने हैं वो टाइम। वेकअप कितने बजे हुए उसका टाइम लिखना है, देन उसके बाद ब्रश कितने बजे किया वो भी आपको लिखना है, देन आपने बात कब किया मतलब नहाए कब आप हो उसका भी टाइम आपको लिखना है, एंड देन ब्रेकफास्ट कब किया ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और स्कूल के लिए तो अभी आप नहीं आ रहे हो तो वो नहीं यहाँ पर लिखा तो भी चलेगा, बट ऑल्सो दैट क्वेश्चन इज़ फॉर योर होमवर्क पार्ट, ठीक है। बट मोस्टली स्कूल में आप कितने बजे आते थे, यस 8:45 ये हमारा स्कूल टाइमिंग था, तो 8:45 AM तक आपको क्या करनी है सुबह की एक्टिविटीज़ को लिखना है। अगर आप मेकअप करने के बाद एक्सरसाइज करते होंगे तो उसका भी आपको क्या करना है यहाँ पर टाइम लिखना है। आई होप सो, एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव टू टेक योर पेरेंट्स हेल्प टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 16:1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टर्न द पेज एंड ओपन अवर पेज नंबर 8। हियर वी हैव एग्जाम्पल 17। फिल इन द ब्लैंक्स बाय लुकिंग एट द क्लॉक्स, अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इवेंट्स को प्रॉपरली ऑर्डर में लगाना है। आई हैव स्नैक्स एट -o'clock इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर स्नैक्स कब लिया है यहाँ पर, चलो चेक करो, यस 4। देखो शॉर्ट हैंड दिया है यहाँ पर 4 पर, और लॉन्ग हैंड दैट इज आवर हैंड इज ऑन 4, मिनट हैंड इज ऑन 12, सो हियर 4 o'clock। नाउ बी, माय स्कूल स्टार्ट्स एट -o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पर दिया है टाइमिंग, यस आवर हैंड इज ऑन द 9 एंड मिनट एंड इज एट 12, सो हियर 9 o'clock इन द मॉर्निंग। नाउ आई गो टू स्लीप एट -o'clock एट नाइट। सो इट्स सो ईजी, यू कैन डू दिस वन एंड दिस वन एज अ होमवर्क। ओके सो सी एंड डी यू मस्ट हैव टू डू एज अ होमवर्क पार्ट, ऑल्सो यू मे हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल 18 इन होमवर्क। वट वी डो हैव इन एग्जाम्पल 18, इट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 18, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो 1 o'clock एंड बी 3 o'clock। सो इसकी तो एक्टिविटीज हमने कंप्लीट की थी ना, सो यू मस्ट हैव टू शो द मिनट हैंड एट ऑन द 12 एंड शॉर्ट हैंड एट ऑन द 1। तो ये आप कर सकते हो इजीली। क्या करना है आपको, देखो एक में करके दिखाता हूँ आपके लिए, लॉन्ग हैंड ड्रॉ करना है अच्छे से, अगर स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करना आता तो यूज़ अ स्केल, ओके, और छोटा सा एरो दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल छोटा जो शॉर्ट हैंड है वो ड्रॉ करना है हमें 1 के ऊपर, और उसको भी छोटा सा एरो दिखाना है, ठीक है। सो हियर वी हैव शोन 1 o'clock फॉर द A1 सॉल्यूशन, यू कैन सॉल्व द B1 एट द होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कंप्लीटेड अवर वर्कबुक टिल पेज नंबर 8, बट अगेन यू मस्ट हैव टू सॉल्व दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक। ओके, द आंसर ऑफ दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई विल सेंड ऑन योर गूगल क्लासरूम्स, यू मस्ट हैव टू चेक इट आउट। बट कब चेक करने हैं, पहले आपको इसको नोटबुक में कंप्लीट करना है, और बाद में इज इट करेक्ट और रॉन्ग ये करने के लिए आपको चेकआउट करना है। ओके सो लॉट्स ऑफ स्टडी फॉर यू, ओके आई होप सो यू आर डूइंग इट नाइसली। ओके टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, बाय बाय।